टूरिज्म में बहुत ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स हम डेवलप कर रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि पूरे देश में हम गोवा एज अ टूरिज्म कैपिटल देश की हो, इसी के लिए पूरे काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्प से मुझे पूरी उम्मीद है कि गोवा इस देश की टूरिज्म राजधानी हो जाएगी। मनोहर पर्रिकर साहब का नाम भी बहुत याद आता है जब भी गोवा की चर्चा होती है। वो रक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, आपके नेता भी वो रहे हैं। सामान्य लोग आवाज जो हैं संघ से जुड़े रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और गोवा का भी एक कनेक्ट रहा है। गोवा की आज़ादी में कहा जाता है कि उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस आंदोलन में, आप कैसे देखते हैं उसको? मैं समझना चाहता हूं कि सर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आरएसएस से जुड़े रहे हैं, गोवा की आजादी में आरएसएस की भूमिका पर बहुत चर्चा होती है, कैसे आप देखते हैं उसको? 1947 लेकिन उसके मिली, यानी गोवा लिबरेशन मूवमेंट में पूरे देश भर में से सभी स्वतंत्र सेनानी जुड़े रहे। उसी तरह से जगन्नाथ राव जोशी जी जो आरएसएस से थे, वो यानी खास करके ये मूवमेंट लीड कर रहे थे।